इल्मे जारी के मौजूद दोस्तों, मैं हूं जहां से मुख्तार और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, किसी भी तारीख के मुताले से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई तहजीब अचानक ना तो वजूद में आती है और ना ही पुख्तगी तक पहुंचती है। तहजीब एक इरतकाई अमल होता है, यानी किसी इलाके में वहाँ के हालात, माहौल, लोगों की ज़रूरियात और तकाज़ों के तहत तहजीब आहिस्ता आहिस्ता बनती है। इसी तरह सिंध की तहजीब में भी हम यही आहिस्तगी का अमल देखते हैं। इस इलाके में कि जहाँ ये तहजीब परवान चढ़ी, वहाँ इससे पहले इसकी दाग बैल डाली जा चुकी थी। दोस्तों, आसारे कदीमा की दरियाफ्तों से ये भी मालूम हुआ कि 5000 कब्ल मसीह तंदूर से रोटियाँ पकाई जाने लगी थी, कच्ची ईंटों के मकान बनने लगे थे, मगर अभी तक कोई तहरीर ईजाद नहीं हुई थी। इन सब बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इलाके के लोग आहिस्ता आहिस्ता एक मुकम्मल तहजीब बनाने जा रहे थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में तफसीली जिक्र करेंगे वादी सिंध की कदीम तहजीब का, और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि ये तहजीब किस खौफनाक आफत के तहत नजरों से ओझल हो गई। इसके लिए जरूरी है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, कहा जाता है कि वादी सिंध की तहजीब भी जमीन में दफन होकर नजरों से ओझल हो चुकी थी। यहाँ तक कि 1822 ईस्वी में एक सयाह चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा में टेलों का जिक्र किया कि जहाँ यह कदीम शहर बर्बाद हुआ। इसके 4 साल बाद एक और सयाह अलेक्जेंडर बर्न्स ने भी अपने सफरनामे में इनका जिक्र किया। इसी दौरान बरतानवी हुकूमत यहाँ रेलवे लाइन बिछा रही थी। ठेकेदारों ने टेलों से ईंटें लेकर इसमें इस्तेमाल की। कहा जाता है कि हड़प्पा का मौजूदा शहर और इसके अक्सर मकानात भी इन्हीं पुराने ईंटों से बनाए गए। इसने कदीम शहर के आस्थानों को सख्त नुकसान पहुंचाया। खुदाई के दौरान यहां से मोहरे और मट्टी के बर्तन मिले। इस दरियाफ्त ने माहिरीन को यह सोचने पर मजबूर किया कि ये तहजीब इसी शहर तक नहीं बल्कि इससे आगे तक फैली हुई है। इसके बाद 1922 से 1923 में दूसरे शहर मोहनजोदाड़ो की दरियाफ्त हुई। इसके नाम के बारे में दो राय हैं। एक, इसे मोहनजोदाड़ो यानी मुर्दों का टेला कहते हैं, और दूसरे मोहनजोदाड़ो कहकर मोहना कबीला से इसका ताल्लुक बताते हैं। इस तहजीब को हड़प्पा तहजीब भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा पहला शहर था जो दरियाफ्त हुआ, इसलिए कुछ माहरीन इसे इस नाम से पुकारते हैं। लेकिन जब इस तहजीब के आसार और शहरों में मिले जो कि दरिया सिंध की वादी में थे, तो इसे वादी सिंध की तहजीब कहा गया। कुछ माहरीन ने इस तहजीब के फैलाव और इसके असरात को देखते हुए इसे वादी सिंध का अहद भी कहा है। ये कांसी के दौर की सबसे कदीम तहजीब नहीं है। इसकी इब्तदा 2500 कबल मसीह को करार दिया जाता है। अब तक इसकी 1500 बस्तियां दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिनकी मुद्दत 1900 कबल मसीह से 2500 कबल मसीह तक है। ये बस्तियां बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और मगरबी उत्तर प्रदेश में मिली हैं। इससे अंदाजा होता है कि वादी सिंध की तहजीब वसी इलाके में फैली हुई थी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, तहजीब की इब्तदा शहरों से होती है। जिस तहजीब में जिस कदर शहर होंगे, इसी कदर इस तहजीब में ज्यादा तरक्की होगी। शहरों से तहजीब की खसूसियत का अंदाजा होता है। इन्हीं से लोगों के रहने, खाने पीने और तफरीह करने के बारे में पता चलता है। वादी सिंध की तहजीब कांसी के अहद की दूसरी तहजीबों से इसलिए भी जुदा है कि यहाँ मेसोपोटामिया या चीन की तरह शहरी रियासतें नहीं थी, बल्कि ये शहर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वादी सिंध की तहजीब की एक और खसूसियत ये है कि इसमें मेसोपोटामिया और मिस्र की तरह आलिशान मंदिर और अहराम नहीं है। वादी सिंध के शहरों के दो हिस्से हुआ करते थे, एक ऊंचाई पर वाकया और दूसरा निचला शहर। हिफाजत की खातिर इन दोनों शहरों को दीवारों या फसीलों से महफूज किया जाता था। वादी सिंध के शहरों में मोहनजोदाड़ो खुदाई के बाद अपनी असली शक्ल सूरत में सामने आया। अब इस शहर को देखकर अंदाजा होता है कि इसे एक मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया था। ये आबादी की जरूरियात को भी जाहिर करता है। शहर का एक हिस्सा बुलंदी पर वाक़े है, जिससे अंदाजा होता है कि यहाँ पर अहम लोगों की रिहाइश होगी। इसके अलावा शहर की शाहराएं चौड़ी और सीधी हैं। गलियां दोनों जानिब से आकर बड़ी शाहरा से मिल जाती हैं। गंदे पानी की निकासी का इंतजाम बहुत उम्दा था। नालियां गलियों से निकलकर बड़े नाले या नाली में आकर मिल जाती थीं। बदबू से महफूज रखने के लिए यहाँ नालियां ढकी हुई थीं। शहर में एक बड़ा हमाम था। अब जब खुदाई के वक्त इसकी शक्ल सामने आई, तो मालूम हुआ कि इसके अंदर हौज है जिसमें जाने के लिए सीढ़ियां हैं। हमाम का फर्श पक्की ईंटों से बनाया गया, दीवारें भी पक्की थीं ताकि पानी ना रिसे। इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि शायद यहाँ मजहबी रसूमात के तौर पर मनाया जाता होगा। खास बात यह है कि इसका इंतजाम था कि जब पानी खराब हो जाए तो इसे तब्दील कर दिया जाए। दोस्तों, शहर में एक बड़ा हॉल था। शायद ये मजहबी, सियासी और समाजी मीटिंगों के लिए इस्तेमाल होता होगा। मोहनजोदाड़ो में 2000 से लेकर 3000 मकान थे, 700 कुएं थे। आबादी के बारे में अंदाजा है कि ये 85,000 तक थी। हड़प्पा का शहर भी इसी मनसूबाबंदी के तहत आबाद हुआ। ये भी दीवारों या फसीलों से घिरा हुआ शहर था। लेकिन ये शहर मोहनजोदाड़ो की तरह से अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख सका। लेकिन ये पता जरूर चलता है कि यहाँ भी पब्लिक इमारतें, यानी बड़ा हमाम,
गोदाम और हाल होंगे। शहर की इस मंसूबा बंदी से अंदाजा होता है कि लोग नफीस जौक रखते थे। सफाई का ख्याल घर और घर से बाहर दोनों जगह पर था। इससे शहर के इंतजाम का भी पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएंगे, कांसी के अहद में बड़ी तब्दीली औजारों और हथियारों में आई। अब ये पत्थर के बजाय कांसी से बनाए जाने लगे। इनमें चाकू, कुल्हाड़े, हथौड़ियां, आरा, पिन और सुई शामिल थे। तीर और भाले की ऊनी भी कांसी की होने लगी, जिसकी वजह से शिकार में और ज्यादा आसानी हो गई। दोस्तों वादी सिंध की बस्तियों से बड़ी तादाद में मोहरें मिली हैं। ये मिट्टी, तांबे और चांदी की हैं। इन मोहरों की बनावट और इस्तेमाल के बारे में माहरीन की राय है कि इन्हें सामान तिजारत को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, यानी किसी टोकरी या डब्बे पर सामान भरने के बाद इस पर मोहर लगा दी जाती होगी ताकि सामान चोरी ना हो। अगर ये मोहर टूटी हुई पाई जाती थी तो सामान के चोरी होने का शुबा हो जाता था। ये मोहरें मुस्ततील थीं, सबकी बनावट एक जैसी थी। इसमें ऊपर की जानिब लिखा होता है और इसके निचले हिस्से में किसी जानवर की तस्वीर होती है। जानवरों में ज़ेबरा, कोहान वाला बैल, गेंडा और हाथी है। तकरीबन 60% मोहरों पर कोहान वाले बैल की तस्वीर है, जो यूनिकॉर्न कहलाता है। ऐसी मोहरें भी हैं कि जिन पर कोई ज्योमेट्री का डिजाइन है या स्वास्तिका का निशान है। इन मोहरों पर जो रस्मुल खत है, इसे पढ़ने की बहुत कोशिश की गई, मगर अब तक माहिरीन नाकाम रहे, क्योंकि अब तक इन मोहरों पर 400 अलामतें मिली हैं, मगर ये इस कदर कम है कि ये रस्मुल खत को पढ़ने में मदद नहीं दे सकती। दोस्तों अगर बात की जाए वादी सिंध के माशरे की, तो इस तहजीब का माशरा तबकात में बढ़ चुका था। ये एक तकसीम दौलत और जायदाद की बुनियाद पर भी थी और तर्ज जिंदगी और रहन सहन के हिसाब से भी थी। मसलन अमीर और गरीब का फर्क था। इसका अंदाजा हमें शहर की मनसूबा बंदी से होता है कि जिसमें शहर के ऊपर वाले हिस्से में अमरा और बारसोख लोग रहा करते थे। इनके घर भी बड़े और वसी होते थे, जिनमें मुलाजिमों के रहने के लिए अलहदा से क्वार्टर्स हुआ करते थे। गरीब लोग के जिनकी अक्सरियत होती थी, वो शहर के निचले हिस्से में छोटे मकानों में रहते थे। ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि जिनसे पता चलता है कि गुलामी का रिवाज भी था। इसके बाद किसानों और खाना बदोश कबाइल की तकसीम थी। किसान गाँव में रहा करते थे, जबकि खाना बदोश जंगलों और मैदानों में मवेशियों के गले के साथ फिरा करते थे। शहर में कारीगरों, पुजारियों और मुंशियों के तबकात थे, जो अपने अपने पेशों की वजह से जाने जाते थे। मर्दों और औरतों के दरमियान भी काम तकसीम हो गए थे। औरतें आटा पीसना, कपड़ा बुनना और मवेशियों की देखभाल करती थीं। लोगों की उम्र औसतन 30 साल तक होती थी। मुर्दों को दफन किया जाता था, जलाया भी जाता था और बाज़ हालात में लाश को जंगल में छोड़ दिया जाता था। वादी सिंध में हुक्मरानों और अमरा के आलिशान मकबरे नहीं हैं। कब्रों की मौजूदगी से यह फायदा हुआ है कि इनके साथ दफन होने वाली चीजों से इस अहद के लोगों के रहन सहन और आर्ट के बारे में मालूमात मिलती हैं। नाज़रीन कराम, तहजीब की तरक्की की एक अलामत ये भी है कि औरतें और मर्द दोनों अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए आराइश और सिंगार करने पर तवज्जो देते हैं। खास तौर से आंखों और चेहरा को दिलकश बनाया जाता है। वादी सिंध में खुदाई के बाद एक तो सुरमा दानियों की बड़ी तादाद मिली है, जिससे अंदाजा होता है कि लोग आंखों में सुरमा लगाते थे। इसके अलावा सीप और घूंगे की डब्बियों में सुर्ख रंग का सफूफ मिला है, जो शायद बतौर गाजा इस्तेमाल किया जाता होगा। सबसे बढ़कर ये कि तांबे के गोल आईने भी मिले हैं। नाज़रीन, अहम बात आपको बताते चले कि तफरी और खेल को दो किस्म में तकसीम किया गया। एक तो खुले मैदान में, जहाँ दौड़ना, भागना या जिस्मानी मुकाबलाबाजी होता था, या इस किस्म के खेल होते थे कि जिनमें जिस्मानी ताकत का इजहार हुआ और मुकाबला हो। दूसरा किस्म के खेल घरों में बैठकर खेले जाते थे। वादी सिंध से मट्टी और पत्थर के बने हुए पांसे मिले हैं। ये पांसे शायद जुआ खेलने में इस्तेमाल होते होंगे, या इनसे किस्मत का हाल बताया जाता होगा। एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मौजूदा दौर की शतरंज की किस्म की मोहरें भी मिली हैं। शायद ये लोग तफरी के लिए परिंदों और जानवरों की लड़ाइयां भी करवाते थे। इससे ये भी मालूम होता है कि ये लोग नाच गाने के बड़े शौकीन थे। सबूत कांसी की बनी हुई रकासा है। दोस्तों अगर बात की जाए वादी सिंध की कदीम तहजीब के मजहब की, तो इन लोगों के मजहब के बारे में हमारे पास पूरी मालूमात नहीं है, लेकिन आसारों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फितरत और इसके मुजाहिर को पूजते थे, जिनमें दरख्त और जानवर शामिल थे। फितरत इन्हें तहफ्फुज़ देती थी, इन्हें ग़िज़ा फराहम करती थी, लिहाजा ये इसे तबाह करना नहीं चाहते थे, बल्कि इसके साथ करीबी रिश्ते और ताल्लुक बरकरार रखना चाहते थे। यहाँ से जो मोहरें मिली हैं, इन पर जानवरों की तस्वीरें हैं, खासतौर से एक कोहान वाले बैल की, शायद इनके लिए मुकद्दस हो। मोहरों पर देवियों की तस्वीर भी मिली है। मोहनजोदड़ो में जो बड़ा हमाम है, शायद इसका मकसद ये हो कि यहाँ नहा कर पाक और साफ हुआ जाए। नाज़रीन कराम, वादी सिंध की तहजीब जो इर्तकाई तौर पर उभरी और फैली 1500 कबल मसीह में, ये अचानक गायब हो गई। इसके शहर मिट्टी में दफन हो गए। इसका आर्ट, मजहब और कल्चर, ये सब वक्त के हाथों नजरों से ओझल हो गया। ये तहजीब तसलसल को बरकरार ना रख सकी, उभरी और फिर डूब कर नजरों से ओझल हो गई। इसका ये जवाल क्यों हुआ, इसके बारे में माहरीन की मुख्तलिफ राय है। एक ख्याल ये है कि फितरत की आफतों ने इसे तबाह किया, यानी सैलाब आया जो शहरों को बहा कर ले गया, या जलजला आया जिसने इसकी इमारतों को जमीन बोस कर दिया। इस पर सवाल ये किया जाता है कि सिंध, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में सैलाब का एक साथ आना और एक साथ शहरों को तबाह करना मुमकिन नहीं। दूसरी राय ये है कि इसकी वजह खुश्क साली है। जब दरियाओं ने रास्ता बदला तो वह खुश्क हुए, इसकी वजह से इनके किनारों पर आबाद शहर उजड़ गए। तीसरी राय ये है कि लोगों ने जमीन पर बहुत ज्यादा काश्त की,
جنگلوں کو کاٹ کر علاقے کو ریتلا کر دیا جس نے زمین کی زرخیزی کو ختم کر دیا۔ مزید یہ کہ جب اینٹیں پکانے اور دھاتیں پگھلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوئی اور درخت کاٹے تو اس نے ماحول کو بدل دیا۔ جانوروں کے لیے چراگاہیں نہیں رہیں۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ میسوپوٹامیا اور دوسرے ملکوں سے تجارت ختم ہو گئی جس کی وجہ سے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ باقی نہیں رہا۔ پانچویں وجہ یہ تھی کہ حکمران طبقے اور شہروں کا انتظام کرنے والے کمزور ہو گئے۔ اس نے شہروں کے نظام کو درہم برہم کر دیا۔ صفائی کا کوئی انتظام نہ رہا، کوڑا کرکٹ جمع ہوا، بیماریاں پھیل گئیں، گندے پانی کی نکاسی نہیں رہی۔ نظام کے ٹوٹنے کی وجہ سے آپس کے جھگڑے اور فساد بڑھ گئے۔ ان سب وجوہات نے آہستہ آہستہ شہروں کو تباہ کیا، مگر یہ تباہی الگ الگ ہوئی، ایک ساتھ نہیں۔ جب شہر اور بستیاں اجڑیں تو لوگ ہجرت کر کے دوسری جگہوں پر چلے گئے۔ چھٹی رائے یہ ہے کہ ان شہروں کو آریہ حملہ آوروں نے تباہ کیا۔ اس تباہی کے 3500 سال بعد یہ دوبارہ سے دریافت ہوئے۔ اس عرصے میں لوگ جو ان علاقوں میں آباد تھے وہ شہروں کی منصوبہ بندی بھول گئے اور وادی سندھ کی تہذیب کی علامات اور نشانیاں سب مٹ گئیں، شاید چند رسومات کے علاوہ جو ان علاقوں میں جاری رہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا برونز ایج یعنی کانسی کے زمانے کی سیریز یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔